हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील पटेल। आज आपको बताऊंगा कि क्या कोरोना वायरस के चक्कर में भारत ने जो 21 दिन का लॉकडाउन जारी किया है वो आगे भी बढ़ सकता है या नहीं, या 21 दिन के बाद यानी 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ सटीक जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि 21 दिन के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं इन वीडियो को हटाकर डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित साइट से। इस साइट का नाम है फ्रेंड्स वर्डोमीटर। यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है फ्रेंड। तो हम आ गए हैं वर्डोमीटर की साइट पे। ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है वर्डोमीटर। यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड कोरोना वायरस केस 8,62,782 पूरे वर्ल्ड में है फ्रेंड्स, और जिनकी डेथ हो चुकी है वो 42,534 हैं। रिकवर हैं, जो रिकवर्ड हो चुके हैं, 1,79,128 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही पूरी दुनिया की बातें। यहाँ पे ग्राफ के द्वारा भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जियो वायरस चाइना से शुरू हुआ था, अब चाइना उस पर चौथे नंबर पे आ गया है फ्रेंड्स। और उससे ज़्यादा ये वायरस घातक रूप से कहाँ पे आ गया होगा हो रहा है, यूएसए मतलब अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस इसके सामने आ गए हैं फ्रेंड। इटली भी इससे पीछे हो चुकी है, स्पेन और फिर चाइना। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में हम देखते हैं कि हमारे भारत का नंबर कौन सा लगता है। तो भारत का नंबर देखिए फ्रेंड, बहुत नीचे है जाके, ये इंडिया आ गया है। यहाँ पर 15,1,590 केस आए हैं, जिनमें से 193 अभी नए केस हैं, 45 लोगों की मौत हो चुकी है, और न्यू डेथ जो नए मरे हुए हैं वो अभी 10 लोग हैं फ्रेंड्स। तो इनकी पूरी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्या भारत में लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है या नहीं, अनुमान लगा सकते हैं इसके थ्रू। मतलब डायरेक्ट ये नहीं है कि बढ़ भी सकता है, बढ़ ही सकता है। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के केस 15,090 हो गए हैं, जिनमें से 45 लोगों की मौत हो गई है और 143 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ देखिए, टोटल केस जो ग्राफ है 15 फरवरी से लेके, ये देखिए फ्रेंड, 15 फरवरी से लेके 30 मार्च तक में 1,13,397 केस आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये ग्राफ यदि हमारा ऐसे ही बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, तो शायद मोदी जी को 15 अप्रैल के बाद भी लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। और यदि ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया या फिर बराबर चलने लगा, उसके बाद ज़्यादा केस नहीं आते हैं, तो लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो, मतलब बहुत कम ऐसी स्थिति होगी कि लॉकडाउन हो सकता है। यहाँ पे डेली केसेस देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे डेली न्यू केसेस मिल रहे हैं। 30 मार्च को देखिए काफ़ी सारे, 227 आए थे, 31 मार्च को 146 आए हैं, और यहाँ पे देखिए 29 मार्च को 37 केस आए हैं। इस तरह से यहाँ पे जैसे ही 29 मार्च को जैसे आए थे, उससे पहले यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखते हैं, 27 मार्च को 160 आए थे, फिर 28 मार्च को 100, फिर 29 मार्च को 37, जैसे कम होते गए थे फ्रेंड। फिर ये 30 मार्च को काफ़ी ज़्यादा हो गए, फिर 31 को। तो ये केस यदि बढ़ना बंद हो गए फ्रेंड, तो भारत में लॉकडाउन होने की स्थिति बहुत ही कम रह जाएगी 15 अप्रैल के बाद। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स डेली की जानकारी देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको हम देते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन दबा ही दीजिए, क्योंकि हम इस पर अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड नए नए वीडियो डालने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए। जय हिंद।